दोस्तों नया साल आ चुका है और आज है 1 जनवरी 2021, तो आप लोगों को नया साल की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों नया साल आ चुका है और इस नया साल में आपको Realme की फ़ोन काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी और इसके साथ Realme एक नया सीरीज भी लाने वाला है जिसका नाम है Realme Q सीरीज, जिसमें कि आपको एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है जो कि इंडिया के स्पेसिफिकेशन पर लीक होके आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं Realme Q2 के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आज है 1 जनवरी। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 120 GHz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और इसके साथ आपको पंचोल सेल्फी कैमरा के साथ ये फ़ोन आएगा। और दोस्तों इसके साथ आपको बैक में आपको ग्लास का बैक देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको ट्रिपल रियर कैमरा, Realme की ब्रांडिंग और इसके साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको डायमंड मीडियाटेक का डायमंड सिटी 800 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर और काफ़ी कमाल की प्रोसेसर है गेमिंग के लिहाज से। और दोस्तों इसके बाद इस फोन की रैम रेट के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको 4GB और 6GB का और 8GB का आपको 3 रैम ब्रेन के साथ ये फ़ोन आएगा। और इसके साथ आपको इस फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज आपको 128 GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आप इस फ़ोन में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी स्पेंड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद इस फ़ोन की कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है जिसका कि मेन लेंस होगा 48 MP का और इसके साथ आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि कैमरा के लिहाज से ये फ़ोन नहीं है। ये फ़ोन आप गेमिंग के लिए ले सकते हैं जो कि 5G फ़ोन है और ये सबसे कम दाम में आने वाला है। और दोस्तों इसके बाद इस फ़ोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सेल्फी में आपको 16 MP का पंचोल सेल्फी कैमरा के साथ ये फ़ोन आता है और इसके साथ आपको इस फ़ोन में एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट और Realme UI के इंटरफेस के साथ ये फ़ोन आएगा। और इसके साथ दोस्तों इस फ़ोन की अगर बैटरी के बारे में बात करते हैं तो बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 30 W के फास्ट चार्जिंग के साथ आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और इस फ़ोन की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन दोस्तों हालाँकि March 1st या mid-March में ये फ़ोन लॉन्च होगा और इस फ़ोन की प्राइस आपको 12-13 हज़ार के बीच में होगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।